तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं रामायण से जुड़े हुए सवाल और जवाब लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो। सवाल नंबर एक, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शिव देवता। सवाल नंबर दो, सुशेषण वानर किसके अंश से जन्मा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वरुण देवता। सवाल नंबर तीन, वानर नील के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अग्निदेव। सवाल नंबर चार, सीता के स्वयंवर की शर्त क्या थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शिव का धनुष उठाना। सवाल नंबर पाँच, वानर युद्धपति दधिमुख में किसका अंश विद्यमान था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंद्रमा देवता। सवाल नंबर छह, निषाद राजगुह कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है श्रृंगवेरपुर। सवाल नंबर सात, खर और दूषण कहाँ रहते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दंडक वर्ण। सवाल नंबर आठ, किस ऋषि ने सीता जी की शुद्धता का दावा किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है महर्षि वाल्मीकि। सवाल नंबर नौ, सूरसेना जनपद किसने बसाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शत्रुघ्न। सवाल नंबर दस, ब्रह्मदंड किस ऋषि का अस्त्र था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वशिष्ठ। सवाल नंबर ग्यारह, श्री राम द्वारा सीता को वनवास दिए जाने पर वह कहाँ रहती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वाल्मीकि आश्रम। सवाल नंबर 12, काजल और मेघ के समान काले वानर किस पर्वत पर पाए जाते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अंजन पर्वत। सवाल नंबर 13, रावण बंधुओं में सबसे छोटा कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विभीषण। सवाल नंबर 14, भगवान विष्णु के चक्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुदर्शन चक्र। सवाल नंबर 15, पंचवटी जहाँ श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित वनवास काल में पर्ण कुटी बनाकर रहते थे किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गोदावरी। सवाल नंबर 16, श्री राम सहित सभी भाइयों में सबसे छोटा कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शत्रुघ्न। सवाल नंबर 17, श्री राम की सेना में विश्वकर्मा के अंश अवतार कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नल और नील। सवाल नंबर 18, किस नगरी की स्थापना राक्षसों के राजा मधु ने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मधुपुरी। सवाल नंबर 19, विश्वामित्र ने किस देवता की तपस्या कर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शिव देवता। सवाल नंबर 20, वनवास के समय श्री राम से मिलने भरत किस स्थान पर गए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चित्रकूट। सवाल नंबर 21, श्री राम के दरबार ने रामायण का गान किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लवकुश। सवाल नंबर 22, भारद्वाज ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गंगा यमुना के संगम पर। सवाल नंबर 23, राजा दशरथ की रानी केकई किस वर्ण की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्षत्रिय। सवाल नंबर 24, गंगा भगवान शिव की जटा से छूटकर किस स्थान पर जाकर गिरी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिंदु सरोवर। सवाल नंबर 25, रामायण का प्रमुख नायक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है श्री राम। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और भी बहुत सारे सवाल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।